जगराते के साथ साथ जागृति भी जरूरी है। जागृति क्यों जरूरी है? क्योंकि आज बदलता हुआ माहौल है और बदलते हुए माहौल में हम अपनी सभ्यता, हम अपनी संस्कृति और हम अपने संस्कार भूल चुके हैं। आज जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, जो देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, आज उनको वो संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। हमने अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो करा दिया, लेकिन वहां से वो शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत संस्कृति के संस्कार हैं वो संस्कार पीछे हटते जा रहे हैं। आज हम अपने बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनसे वो संस्कार नहीं लेते हैं। प्रेमी साथियों, कवि महोदय ने अपनी कलम उठाई, एक घर के दृश्य को देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पांचों उंगली एक सार होती है, सारे परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन 90% भारत में 90% लोग बदल चुके हैं, संस्कार उनके बदल चुके हैं। तो मैं जो भी युवा वर्ग खड़ा हुआ है उनसे, उनके लिए स्पेशल एक भजन है, ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें कोई मनोरंजन नहीं है, सिर्फ एक शिक्षा है, एक सीख है। प्रेमी साथियों, एक घर का चित्रण किया जिसका शीर्षक लिखा गया घर घर की मां। घर घर की मां, एक परिवार है, मां और बाप है, उनके चार पुत्र हैं। सुनने वाली बात है, चार पुत्र, चारों पुत्र अपने अपने कामकाजों में इतना व्यस्त हैं कि कोई भी अपने मां और बाप से बात नहीं करता। उन्हें इतना टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने मां और बाप से उनका हाल चाल पूछ सके। मेहरबानो, वक्त बीतता गया, चलते चलते एक दिन पिताजी का देहांत हो जाता है। जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो चारों बेटे आपस में बातें कर रहे हैं कि पिता की चिता को आग जब लगाई जाएगी, जब घर में से घर और घेर में से घेर का हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। मेहरबानो, वो अभागन मां जिसने 9 महीने गर्भ में उन बच्चों को रखा, एक कोने में खड़ी हुई है और अपने बच्चों की बातें सुन रही है। अरे, जिन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, जन्म दिया, जिनको लिए सोचा था कि अब बुढ़ापे में ये हमारे सहारा बनेंगे, सहारे की लाठी बनेंगे, आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मां के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं, टप टप आंखों से आंसू गिर रहे हैं और चारों बेटे आपस में बातें कर रहे हैं, घर में से घर, घेर में से घेर का हिस्सा बंटवारा हो जाए और फैसला ये भी होना चाहिए, बाप हमारा रहा नहीं है, मां बची हुई है, फैसला ये भी हो जाना चाहिए कि चारों बेटों में से मां को कौन रखेगा। प्रेमी साथियों, कवि महोदय ने अपनी कलम उठाई और कलम के माध्यम से किस तरह से उस घर का चित्रण किया, क्या वो बेटे बातें कर रहे हैं, क्या मां सुन रही है, आइए क्या लिखा और क्या बता रहे हैं। करता क्यों अपने माँ बाप से तू बात नहीं, और बुढ़ापे में देता तू क्यों उनका साथ नहीं। माँ बाप चीज क्या होती है जरा पूछ ये उनसे, जिनके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं। माँ बाप क्या चीज होती है, क्या कीमत होती है माँ बाप की, उन अनाथ बच्चों से पूछो जिन्होंने जन्म तो ले लिया लेकिन जन्म के बाद अपने माँ और बाप की शक्ल तक को नहीं देखा।
जिन्हें यही नहीं पता माँ बाप चीज क्या होती है, कैसा उनका प्यार होता है, कैसा उनका दुलार होता है, कैसे वो माँ बाप होते हैं, उन बच्चों से पूछो कि माँ बाप क्या चीज होती है। भारत जी बरौला से, जिन्होंने पहले भी दिए हैं और 101 रुपए से फिर मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। भाई घर में पड़ा है तो पड़ा रहने दे, हाँ घर में पड़ा है तो पड़ा रहने दे, छा नहीं देगा पेड़ सूखा ही सही, आंगन में खड़ा है तो खड़ा रहने दे। चारों बेटे बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और पहले घर और दर बांटो है, पहले घर और दर बांटो फिर चिता बाप की जलाओ, और कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बदलाओ है, कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बदलाओ, पहले घर और दर बांटो फिर चिता बाप की जलाओ, जिन्होंने
कम से कम कई हजार रुपए पहले और 50 रुपए से फिर मान सम्मान कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। भजन समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद देते रहे। हाँ लग रहा है समझ में आ रहा है। प्रेमियों पहले बेटे ने इस तरह से जवाब दिया, माँ की ममता मचल रही है लेकिन सोच रही है सबसे बड़ा है, बड़े लाड और प्यार से इसे पाला पोसा है, विदेशों में इसने पढ़ाई की है, अपने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को भूल चुका है, लेकिन दूसरे नंबर का बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, वो जरूर कहेगा कि माँ को मैं रखूंगा। और परम आदरणीय राजदीप भडाना जी, परम आदरणीय राजदीप भडाना जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर का बेटा क्या जवाब देता है, माँ क्या सोच रही है भला? आइए तपस्वी संत परम श्रद्धे परम आदरणीय हमारे बाबा अर्जुन गिरी महाराज जी, परम श्रद्धे अर्जुन गिरी महाराज जी, शायद उनको इस भजन की कोई लाइन अच्छी लगी, वो भी पैसों से, और सबसे बड़ा उन्होंने अपना आशीर्वाद वो भी आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रेमी साथियों दोनों बेटों ने जवाब दे दिया, माँ की तो धीर बांधे नहीं बंध रही है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, सोच रही है कैसे मेरे बेटे हो गए हैं, लेकिन एक आस बची हुई है कि दोनों बेटों ने जवाब तो दे दिया लेकिन तीसरे नंबर का बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, ये जरूर कहेगा कि माँ को मैं रखूंगा। और वो तीसरे नंबर का बेटा क्या जवाब देता है ये बता। खरीद के लाना है, कफन खरीद के लाना है, पैसे का हिसाब लगाओ, कौन रखेगा माँ को ले अब ये भी तो बात।
उन्होंने जवाब इस तरह से दे दिया, बाकी तो जो एक आस थी वो भी खत्म हो चुकी है, आंसू झर 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 आंखों से बह रहे हैं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, वो परमपिता परमात्मा, वो ईश्वर किसी ना किसी को प्रेरणा जरूर देता है। चौथे नंबर का बेटा है, यानी उम्र है सबसे छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार छुपे हुए हैं। हाथ जोड़ के तीनों भाइयों के सामने खड़ा हो जाता है, बाप तो मेरा रहा नहीं लेकिन तीनों भाई मुझसे बड़े हो, बाप के समान हो। एक बात जरूर कहूंगा, अरे जिस माँ ने खुद भूखा रह करके हमको खिलाया पिलाया, जिस माँ ने खुद गीले में सो करके हमको सूखे में सुलाया, जिस माँ ने अपने शरीर का रक्त सींच सींच के छाती के द्वारा हमें दूध के रूप में दिया, हम उस माँ का तो जन्म जन्मांतर तक एहसान नहीं चुका सकते, और तुम उसे रखने की बातें करते हो। रे लोगों, कहां गए हमारे संस्कार, कहां गए वो राम और श्रवण जैसे पुत्र जो पिता और माता की आज्ञा के लिए अपने सर को कटा देते थे। आज कैसे बच्चे हो गए हैं, कैसे संस्कार हो गए हैं, सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीख लो, अपने बुजुर्गों के संस्कार ले लो, तभी कुछ हो सकता है। चौथे नंबर का बेटा है, किस तरह से तीनों भाइयों को समझाते हुए न्यू कहने लगा, माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, किस्मत वाले होते हैं वो, किस्मत वाले होते हैं वो, जिनकी माँ होती है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ जिन्होंने 2100 रुपए पहले और 200 रुपए फिर से दे रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। चारों बेटे खड़े हुए हैं, तीनों भाइयों से छोटे नंबर का बेटा है, यानी उम्र है, किस तरह से अपने भाइयों को समझाने लगा और न्यू कहने लगा, चौथा बेटा छोटा था और उम्र भी थी ना जानी, चौथा बेटा छोटा था और उम्र भी थी ना जानी, उस माँ का कर जाना उतरे जिसने दिया जिंदगानी, जिसने दिया जिंदगानी। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है तीनों भाइयों के सामने, बाप मेरा रहा नहीं, तीनों भाई मुझसे बड़े हो, बाप के समान हो। एक बात जरूर कहूंगा, अरे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, घर में तो उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता, और बाहर दर दर की ठोकर खाता फिरता है, पत्थर पत्थर को पूजता है, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पर आने का सौभाग्य प्राप्त जिसके द्वारा हुआ, वही सब कुछ है हमारे लिए। माँ बाप की सेवा कर लो, है माँ बाप की सेवा कर लो, क्यों दी